प्रिय विद्यार्थियों, जो कक्षा फोर्थ और फिफ्थ के लिए जो बेसलाइन असेसमेंट है उसकी आंसर की देखिए भी किस प्रकार ये पेपर आया है, किस प्रकार है आपको क्वेश्चन इसके करने थे। पहला क्वेश्चन था कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स दैट अप्रोप्राइट लेटर्स, नीचे दिए गए शब्द है उनको पूर्ण करना है आपको, उसमें उचित अक्षर को भरना है आपको। जैसे ये एक पिक्चर दिखाई हुई है, बॉक्स है, बी ओ एक्स बॉक्स, बॉक्स मीन्स डिब्बा। ये तस्वीर देखो किसकी, अभी पेन की है, पेन की स्पेलिंग क्या होती है, पी ई एन पेन। और ये क्या है अभी, कार सी ए आर कार। और ये क्या है अभी, चूहा आर ए टी रैट। ये बॉक्स हो गया ओ आएगा, यहां पर पेन में क्या आएगा अभी, पी ई एन आएगा पेन। और यहां पर ए आएगा, यहां पर ए आएगा और यहां पर ओ आएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आया था मैच द सेम साउंडिंग वर्ड्स, समान ध्वनि वाले शब्दों को मिलान करना है आपको, मैच करना है आपको। पोट होट, पोट का आपको होट से मिलान करना है, पोट होट। टोए बोए, इनकी ध्वनि मिल रही है, पोए टोय। कैट मैट, कैट मैट। से वे, इस प्रकार आपको सेम साउंड है उनको मिलान करना था। तीन नंबर क्वेश्चन आया था राइट द वर्ड्स फॉर फ्लोइंग एक्शंस, कुछ तस्वीर दिखाई गई है जिनमें कुछ एक्शन दिखाई गए, क्रिया आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है अभी, आईएनजी का प्रयोग करना है। ये क्या कर रहा है अभी बच्चा, ये ई से बताना है आपको, ये ईटिंग कर रहा है, ये खा रहा है, क्या कर रहा है अभी, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग, ईटिंग होता है खाना खाना। ये क्या कर रहा है अभी, स्लीपिंग, सो रहा है, एस एल डबल ई पी आई एन जी स्लीपिंग, क्या कर रहा है अभी, स्लीपिंग कर रहा है। ये क्या है अभी, प्लेइंग, ये खेल रहे हैं। ये क्या कर रहा है अभी, ड्राइविंग, डी आर आई वी आई एन जी, ड्राइविंग होता है गाड़ी चलाना। उसी प्रकार यूज ए एन द करेक्टली, इसमें आपको ए एन द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब एक वचन जो पहला लेटर है वो अगर व्यंजन की ध्वनि देता है तो आप ए का प्रयोग करेंगे, और अगर स्वर की ध्वनि देता है तो एन का प्रयोग करेंगे, और विशेष है कुछ स्पेशल है तो आप दा का प्रयोग करेंगे, जो यूनिक है। एन एप्पल, यहां पर एन आएगा, ये एप्पल में पहला अक्षर क्या है अभी, व्यंजन स्वर की ध्वनि दे रहा है, एन एप्पल। केटल में क्या है, पहला लेटर क्या है अभी, क, ए केटल। सन, दुनिया में जो वस्तु एक ही है, यूनिक है, उससे पहले क्या आता है अभी, द आता है, तो द सन। हॉर्स से पहले क्या आएगा अभी, ए हॉर्स, हॉर्स पहला है अक्सर। और ये क्या अभी, आवर, यहां पर एन आवर आएगा, एन आवर, एन एप्पल, ए केटल, द सन, ए हॉर्स, एन आवर, एक घंटा, केतली, एप्पल सेव, सूर्य, घोड़ा। अब फाइव नंबर क्वेश्चन आया था यूज एप्रोप्राइट एडजेक्टिव, आपको उचित एडजेक्टिव विशेषण का प्रयोग करना है, फ्रॉम द बॉक्स, नीचे जो बॉक्स दिया उसमें से, टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ए मैंगो, एक आम है, इज स्वीट, आम क्या होता है अभी, मीठा होता है ना, तो आप यहां पर ये स्वीट एडजेक्टिव, ये चारों एडजेक्टिव है, बिग बड़ा, येलो पीला, स्वीट मीठा, फनी होता है, आनंददायक। एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, यानी एलिफेंट क्या है, एक बड़ा जानवर है, तो यहां पर क्या आएगा, बिग आएगा। आइसक्रीम इज ऑलवेज, आइसक्रीम कैसी होती है, अब यहां पर मैंगो स्वीट भी होता है, मैंगो क्या होता है अभी, मैंगो का कलर क्या होता है अभी, येलो भी होता है, क्या होता है अभी, येलो, तो आप यहां पर येलो करो तो भी सही रहेगा, स्वीट भी। आइसक्रीम ऐसा कैसी होती है भी, स्वीट होती है, क्या होती है भी, स्वीट, मीठी होती है।
मैंगो के लिए आप स्वीट भी यूज कर सकते हो, येलो भी यूज कर सकते हो। दिस स्टोरी इज फनी, ये कहानी क्या है अभी बड़ी ही आनंददायक है, फनी है। बेसलाइन असेसमेंट पार्ट टू में देखो भी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट प्रोनाउंस, आपको सही प्रोनाउन यूज करना है। सी गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए सी आएगा, मेल के लिए क्या आएगा भी ही आएगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस, यहाँ पर एक लेडी दिखाई गई है, लेडी के लिए क्या आएगा भी, सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ये क्या है भी, टीचर है एक जेंट्स, टीचर दिखाया गया है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। लड़की के लिए सी आता है, लड़के के लिए आता है भी ही आता है। सेवन नंबर क्वेश्चन आया था, राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर डोमेस्टिक एनिमल, चार घरेलू जानवरों का नाम लिखने जो आपके घर में पाले जाते हैं, कोई चार जानवर लिखने आपको, डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक का अपोजिट होता है वाइल्ड, जंगली। अगर जंगली पूछते तो आप जंगली में, जो जंगल में रहते हैं उनका लिख सकते थे। अब यहां पर जो घरेलू घरों में रहते हैं उनका नाम लिखना है। पहला क्या लिखोगे भी, कैट। दो नंबर डॉग। काऊ रखते हो घर में, बफेलो रखते हो, केमल रखते हो आप घर में, कोई भी चार जानवर लिख सकते हो आप जो भी आपके घर में हो। नेक्स्ट है, योर टीचर आस्क यू, तुम्हारे अध्यापक ने आपसे पूछा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। व्हाट कैन यू रिस्पॉन्स, आप क्या उत्तर दोगे बच्चों, रिस्पॉन्स होता है उत्तर देना। What can be your response? आपका उत्तर क्या होगा, गुड बाय कहोगे, नहीं गुड बाय तो हम क्या किसी से अलग होते हैं ना, दूर जाते तब कहते हैं गुड बाय। गुड मॉर्निंग कब कहते हैं भी, जब हम सुबह सुबह मिलते हैं। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, ये बात कहोगे आप। हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ पर सी ऑप्शन है, क्या भी सी। विच डे, कौन सा दिन कम्स आता है बिटवीन मंडे एंड वेंसडे, मंडे और वेंसडे के बीच में कौन सा दिन आता है, क्या आता है बच्चों, ट्यूजडे, क्या आता है अभी, ट्यूजडे, मंगलवार आता है, आता है ना। विच मंथ, कौन सा महीना कम्स आता है आफ्टर बाद में, बिफोर का अर्थ होता है पहले, अगर पहले आता तो इस सितंबर का पहला महीना लिखना था, इससे पहले आता है वो। अब आपको सितंबर के बाद में क्या आता है, अक्टूबर, क्या आता है अभी, अक्टूबर, ओ सी टी ओ बी आर अक्टूबर आता है। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम्स ऑफ फ्लोइंग नंबर्स, नीचे कुछ नंबर दिए हैं, संख्याएं दी गई हैं, उनका आपको इंग्लिश में लिखना है, नाम लिखना है। ये क्या है अभी, ट्वेल्व, टी डब्ल्यू ई एल वी ई, ट्वेल्व। ये क्या है बच्चों, एन आई एन ई नाइन। ये क्या है बच्चों, 14, एफ ओ यू आर टी डबल ई एन 14। ये क्या है बच्चों, टमटी, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई, टमटी। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चूज एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन भरना है टू कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को पूर्ण करने के लिए। अब यहां पर देखो, द रेट इज, जो चूहा है वह टेबल के नीचे है, ऊपर है, पास में है, कहां पर है, नीचे बैठा है, तो नीचे के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हो बच्चों, यू एन डी ई आर, अंडर, यू एन डी ई आर, अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। अब यहां पर एक कौवा है, एक पेड़ है, पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा हुआ है, द क्राउ इज सिटिंग, कौवा बैठा हुआ है एक ब्रांच से, शाखा के ऊपर बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है, ऊपर, ऊपर के लिए क्या आएगा बच्चों, ऑन, क्या आएगा, ऑन। द बॉय इज सिटिंग, लड़का बैठा हुआ है, टू बॉल्स, दो बॉल हैं, एक ये रही एक ये रही, उनके बीच में बैठा है, क्या कहाँ बैठा है अभी, बीच में, तो यहाँ क्या है, बीच के लिए क्या था अभी, बिटवीन, क्या है अभी, बिटवीन, दो वस्तुओं के बीच में कोई बैठा हुआ है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो क्या आता है अभी, बिटवीन, ज्यादा हो तो क्या है अभी, अमंग, क्या है अभी, अमंग। द बर्ड इज फ्लाइंग, ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर एक पक्षी है, वो उड़ रहा है, तो ऊपर से उड़ रहा है तो उसको टच तो नहीं कर रहा है ना, अगर टच कर रहा होता तो ऑन आता, अब उड़ रहा है तो क्या आएगा भी, यहाँ पर
आवर आएगा, ओ वी ई आर आवर। आपके सिर के ऊपर से एरोप्लेन उड़ रही है, आपके घर के ऊपर से कोई जहाज उड़ रही है या कोई पक्षी उड़ रहा है, तो क्या आता है बच्चों? आवर आता है। क्या आता है भी? आवर। अब नीचे क्या दिया हुआ अभी? लेबल द पिक्चर गिवन बिलो, एक तस्वीर दिखाई गई है उसमें कुछ साइन दिए गए, उनका नाम लिखना है आपको। ये किसके साइन है अभी? आई। आई मीन्स क्या होता है अभी? आंख। ये क्या है अभी? जीभ, टी ओ एन जी यू ई, टंग। टंग मीन्स क्या होता है अभी? जीभ। ये किसका क्या है बच्चों? एल ई जी, लेग। लेग मीन्स क्या होता है अभी? टांग। ये क्या है अभी? पूंछ, टी ए आई एल, टेल। टेल मीन्स क्या होता है अभी? पूंछ। टंग मीन्स जीभ, आई मीन्स आंख, टेल मीन्स पूंछ, लेग मीन्स टांग। ये 13 नंबर क्वेश्चन आया था, राइट टू थिंग्स दैट यू कैन डू, दो वस्तुओं के नाम लिखिए जो आप कर सकते, एंड टू थिंग्स, दो वस्तुएं दैट यू कैन नॉट, इन्हें आप कर नहीं सकते। तो पहली है आई कैन, आप क्या कर सकते भी? आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूं ए बुक, एक किताब पढ़ सकता हूं। एक और लिख दो आप कि मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन, मैं प्ले, मैं खेल सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं नाच, कोई भी जो आप दो चीजें कर सकते हो। यहां पर आपको वो लिखने जो आप नहीं कर सकते, जैसे आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते भी? आप डांस नहीं कर सकते, यहां लिख दो भी डांस। आप मान लो पढ़ा नहीं सकते, लिख दो आई कैन नॉट टीच, पढ़ाना, जो भी आपको कोई नहीं आता वो यहाँ पर लिखना है आपको। डांस नहीं आता, टीच पढ़ाना नहीं आता, आता है वो यहाँ लिख दो। रीड पढ़ना आता है, प्ले खेलना आता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, आपको सही क्रिया सुननी है सही, टू कंप्लीट दी सेंटेंस, जो इन वाक्यों को पूर्ण करती हो। इज एम आर का प्रयोग करना है, वॉज वर्ब का प्रयोग करना है। आई के साथ में क्या आता है बच्चों? इज आता है, एम आता है, आर आता है, आई एम। आई एम गोइंग टू ए वेकेशन, ऑन ए वेकेशन, आई गो, आई एम गोइंग ऑन ए वेकेशन, मैं छुट्टियों पर जा रहा हूं। तोशिया लड़की का नाम है, एक वचन करता है तो इज आएगा। क्या आएगा बच्चों? एक वचन के साथ में इज आता है, बहुवचन के साथ में आर आता है, आई के साथ में क्या आता है अभी? एम आता है। इटिंग द मैंगो, द फॉक्स, अब एक वचन के साथ में वो जाएगा, बहुवचन के साथ में क्या आएगा अभी? वो रहेगा। लोमड़ी एक है ज्यादा है? एक है, यहाँ क्या आएगा अभी? वोज। लोमड़ी भूखी है, भूखी थी। दे माने होता है वे, अब दे क्या अभी? ज्यादा व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए दे का प्रयोग होता है। दे वर स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी हैं, वे विद्यार्थी हैं, तो यहां पर कहेगा अभी वर आएगा। बहुवचन है तो वर आएगा, एक वचन है तो वो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए, आपको तस्वीर दिख रही है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए आप। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन दिए उनका उत्तर देना है आपको। राइट फोर थिंग्स, चार चीजों के नाम लिखिए दैट यू कैन स्पॉट इन दिस पिक्चर, जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। आप क्या देख रहे हो अभी? थिंग्स वस्तुएं बतानी है आपको। आप एक तो पौधे देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो अभी? प्लांट। क्या देख रहे हो अभी? प्लांट, पौधे देख रहे हो आप, और क्या देख रहे हो अभी? सोचो आप क्या क्या चीज दिख रही है आपको अभी? पेड़ दिख रहे हैं आपको, वस्तु लिखनी है आपको। बच्चों के साथ, बच्चों के पास में क्या अभी? बैग है, वो भी क्या अभी? वस्तु है। और देखो भी, इसमें आपको ये क्या अभी? तालाब है, पानी दिख रहा है, वाटर भी, ये क्या अभी?
वस्तु है, पानी, ये ट्री, बड़े बड़े पेड़ है, उनको क्या कहते हैं, अभी ट्री कहते हैं, पेड़ दिख रहे हैं आप, वो प्लांट छोटे पौधे होते हैं उन्हें प्लांट कहते हैं। बच्चे के हाथ में क्या है अभी, कैमरा है, बैग है उसके पास में, ये वस्तुएं हैं। जैसे कैप दिख रही है आपको, ये कैप का नाम लिख सकते हो आप, ये माइक्रोस्कोप ले रखा है बच्चे ने। अगला सेंटेंस है, राइट टू सेंटेंस अबाउट दिस पिक्चर, इस तस्वीर के बारे में दो आपको लाइनें लिखनी है, वाक्य लिखने। सेंटेंस क्या होते हैं अभी, वाक्य। क्या लिखोगे अभी, बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, पक्षियों को देख रहे हैं, ये पक्षी उड़ रहा है, आप लिख सकते हो द बर्ड इज फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहा है। ये पानी में क्या तैर रही है अभी, बतख तैर रही है, द डक इज स्विमिंग, क्या कर रही है वो, तैर रही है। आप जितने भी वाक्य बना सकते हो अपनी मर्जी इसको, तस्वीर को देखकर। बच्चे पक्षियों को, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है, यहाँ पर उल्लू है वो पेड़ पर बैठा हुआ है। आप दो सेंटेंस बना सकते हो कोई भी। 16 नंबर क्वेश्चन आया था, राइट टू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में दो लाइन लिखनी है आपको, क्या लिखोगे भी, आप लिख सकते हो जो भी आपको दिमाग में आए आपके बारे में लिखने है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूं भी, विद्यार्थी हूं, एक लाइन ये होगी। और लाइन लिख सकते हो आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूं, प्लेइंग क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, जो भी आपको जो दो लाइनें लिखनी है आपको, इनका अर्थ होना चाहिए। अगला एक पैसेज है, रीड द पैसेज, पैसेज पढ़िए, गिवन बिलो नीचे दिया गया, एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देना है आपको। प्रिया वेंट टू द पार्क आउटसाइड हर होम, प्रिया के घर के बाहर, प्रिया घर के बाहर पार्क में गई, सी साई वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, उसने वहां पर एक बहुत सुंदर तितली देखी, द बटरफ्लाई वॉज ब्लू एंड येलो इन कलर, तो तितली थी उसका रंग क्या था भी, नीला था और पीला था। इट वॉज सिटिंग ऑन ए रोज, वह गुलाब पर बैठी हुई थी, सी वेंट नियर द रोज, वह गुलाब के नजदीक गई, एंड सा फोर मोर बटरफ्लाईज, वहां पर उसने चार और मधुम वो तितलियां देखी, वन बटरफ्लाई वॉज ब्लैक, उनमें से एक काली थी, एंड वाइट और सफेद थी, शी वॉन्टेड, वह चाहती थी टू टच इट, उसे टच करना, बट इट फ्लू अवे, परंतु वह उड़ गई, दिस मेड प्रिया जंप ए लिटल, प्रिया ने थोड़ी सी छलांग लगाई, द बटरफ्लाई वेंट, चली गई, एंड सेट अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ गई, प्रिया रैन आफ्टर इट, प्रिया उसके पीछे दौड़ी, बट कुड नॉट कैच इट, उसे पकड़ नहीं पाई, पकड़ नहीं सकी। तो आपको इसको पढ़ लिया, आप उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, वाट आर द कलर ऑफ द बटरफ्लाईज, मधुमक्खियों का कलर क्या था, वो तितलियों का कलर क्या था, अभी रंग बताना आपको क्या कलर थे अभी, अब यहां पर बटरफ्लाई है, यहां पर बटरफ्लाईज है, दो तितलियों के, यहां पर आपको कलर के नाम लिखने हैं, एक तो ब्लू था, नीला, एक क्या था अभी, पीला, एक कलर क्या था अभी, ब्लैक, और एक क्या था अभी, व्हाइट, ये कलर थे। अब रंग को नाम लिखने हैं आप, रंग के नाम, ब्लू, येलो, ब्लैक और व्हाइट। वेयर होता है कहां, डिड द बटरफ्लाई फ्लाई अवे सिट, बटरफ्लाई कहां उड़ गई थी और सिट बैठ गई थी, तो बताओ कहां बैठी थी वो, द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट अंडर ए ट्री, ये लाइन लिखनी है आपको, बटरफ्लाई थी वो उड़ गई और पेड़ के नीचे बैठ गई, ये लाइन यहां पर आ जाएगी। व्हाट हैपेंड व्हेन प्रिया ट्राइड टू टच द बटरफ्लाई, क्या घटित हुआ जब प्रिया ने
प्रयास किया टू टच, छूने का द बटरफ्लाई। तो प्रिया ने बटरफ्लाई को, तितली को छूने का प्रयास किया तो क्या घटित हुआ, वह उड़ गई थी ना। अब ये लाइन लिखनी है आपको, सी की जगह प्रिया लिख दो, प्रिया वांटेड टू टच इट बट इट फ्लू अवे, वह उड़ गई। ये लाइन लिखनी है आपको यहां पर। अगला क्वेश्चन है, कुड प्रिया कैच द बटरफ्लाई, क्या प्रिया थी वो बटरफ्लाई तितली को पकड़ सकी थी क्या? आप कहोगे नो, नहीं। क्या कहोगे भी? नहीं, वह नहीं पकड़ सकी। यहां पर क्या भी बिकॉज, क्योंकि उत्तर यहां पर क्या आ जाएगा भी, नो आ जाएगा। क्यों नहीं पकड़ सकी थी भी, इसमें देखो भी यही था, फिर ये रैन आफ्टर इट बट कुड नॉट कैच इट, वह उसे पकड़ नहीं सकी। विद्यार्थियों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, आपको और भी इसके पेपरों के हल मिलेंगे यहाँ पर।